Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, we are live now. This is Shivani Singh from Examination Hub. डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आज जो है आपकी सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो क्लासेस है वो 11 होगी. ओके, इससे पहले की 10 क्लासेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी से करा दी है, सो जिसने वो नहीं देखी है तो आप जो भी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करके जो है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हुए हैं. ओके, सो ये जो क्वेश्चंस होंगे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, है ना. 1-1 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से देखेंगे क्या है क्या नहीं पूछा है क्वेश्चंस को, और पहले क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने 3 इडियट्स कानों को बिल्कुल अच्छे से खड़े करके उनको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. बाद में क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पे देखना है कि क्या होगा. क्लियर है? अब चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. अब क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है. कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, या फिर कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश, या फिर कहे कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का वर्क है. तो इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अगर बात करें यहाँ पे बारी बारी ऑप्शंस की कि कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, अगर देखो नियंत्रित ओनली क्या है, सिर्फ ओनली सीमित परिवेश है ना, कि हाँ मेरे को टाइम पे बस ये करना है ये करना है बाकी और कुछ नहीं है ना, कि चलो अब क्या है अब मैं ना क्या हुआ स्कूल्स में गया अब क्या होगा ये पढ़ाया जाएगा चलो कोई नहीं थोड़ा खेल लिया है ना अब चलो कोई नहीं, क्या है बिल्कुल सीमित परिवेश है, यानी कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे सीख नहीं पा रहे हैं, है ना. तो ये क्या है आपका नियंत्रित परिवेश होना है. अगर देखिए कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, क्या है अधिकारवादी, ठीक है, यानी कि आपको इतना यहाँ पे जो है इतना आपके लिए इतना आपके लिए इतना जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं है कि हाँ आप यहाँ पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. क्लियर है? या फिर कहे कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि वहाँ पर माता पिता का वर्क है. अभी आपके स्कूल्स में यहाँ पे पेरेंट्स का क्या वर्क होगा, यहाँ पर तो आपके टीचर्स लोगों का ही वर्क है, यही तो आपके पढ़ाएंगे, यही तो आपके जो है फीचर्स बनाएंगे, यही आपकी लाइफ को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, सो यहाँ पे नॉट पेरेंट्स. ओके, तो ये बिल्कुल क्या है आपका निगेटिव ऑप्शन से. तो करेक्ट होगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश. बिल्कुल प्रजातांत्रिक परिवेश मीन्स ये होता है यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे ऑल टाइम बिल्कुल क्या रहते हैं एक्टिव रहते हैं सक्रिय रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखकर बच्चों को तब जाके उनको शिक्षा दी जाती है, जैसे कि बच्चा हर डे जाता है स्कूल्स में, है ना. अब ये नहीं है कि वो हर डे जाता है तो हर डे सिर्फ ओनली वो एक ही बातें सीखता है कि बस मैंने एक ही यहाँ पे आपने टॉपिक्स को पढ़ा और मैं बार बार यही टॉपिक्स पढ़ूंगा, तो वो सीमित होता है, सीमित लेवल होता है. यहाँ पे प्रजातांत्रिक मीन्स होता है कि जैसे मैंने आज तो मैंने ये एक्सपीरियंस ले भैया आज के दिन, है ना, लेकिन कल मैं जब स्कूल जाऊँगा तो मेरे को इस स्कूल से क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं. सो वो बिल्कुल आपके न्यू एक्सपीरियंस होंगे, बिल्कुल सब कुछ न्यू होगा अलग होगा और वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा, है ना, आपको देखते हुए आपके थ्रू ही सब कुछ किया जाएगा. सो यहाँ पे करेक्ट होगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए जिसमें कि बच्चे एक्टिव रहते हैं. एज अ विश बिल्कुल सबसे ज़्यादा सबसे बेटर अगर यहाँ पे स्थान दिया जाता है वो है आपके स्टूडेंट्स. ओके, तो न कि सीमित होना चाहिए, न कि अधिकारवादी होना चाहिए, और भैया पेरेंट्स की तो बात ही नहीं है यहाँ पर. अगर पेरेंट्स होंगे तो फिर आप स्कूल से क्यों जाओगे, फिर तो आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हो, है ना. अब चलिए नेक्स्ट के उस क्वेश्चन का सही आपका करेक्ट आंसर होगा ए. अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है. अब पूछा है देखो 3 इडियट्स कान को बिल्कुल खड़े करके यहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ लेना कि कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है. इसको मार्क कर लेना, जब भी एग्जाम में आएगा तो लास्ट तक क्वेश्चन जरूर देखना, अगर नोट आता है तो उस पर ऐसे मार्क करके तब जाके ऑप्शंस को रीड करना है. अच्छा, खुले अंत वाले क्वेश्चन, या फिर परियोजना, या फिर अवलोकन, या फिर विद्यार्थियों का योग्यता कर्म निर्धारित करना, बिल्कुल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अच्छे से डिस्कशन करेंगे. अब देखो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं होना चाहिए. अगर बारी बारी से ऑप्शंस को देखें कि खुले अंत वाले पर्सन, देखो भैया खुले अंत वाले पर्सन होते हैं जैसे मैं आपसे पूछ लूँ क्वेश्चंस की, जैसे मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लूँ कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं उनको क्या करना होता है, तो आपके जो है अलग अलग यहाँ पर थॉट्स निकलेंगे, अलग अलग विचार निकलेंगे, आपके माइंड से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे. आप बताओगे कि जो है प्रधानमंत्री ऐसे बनते हैं, इतनी एज में बनते हैं, उसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो इतनी मेहनत करता है तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, वो एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, है ना. तो यानी कि आपके
निष्क्रिय रूप से जो है प्रधानमंत्री के बारे में इतनी सारी बातें निकली कि आप जो है उसको कोई भी यहाँ पे जो है अमे डोमन नहीं कर सकती। अगर मैं पूछूँ आपको कि 10 कैसे बनते हैं, तो बिल्कुल आप खुले अंत वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब मैंने पूछा 10 कैसे बनते हैं तो आप कैसे बताओगे कि 5 + 5 = 10 बन चुके हैं, 8 + 2 = 10 बन चुके हैं, 7 + 3 = 10 बन चुके हैं, या फिर कहे कि 6 + 4 = 10 बन चुके हैं। तो इन सारों से ही आपका आंसर क्या निकल रहा है, भैया 10 निकल रहा है। यानी कि ये क्या है, खुले अंत वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन के आप जो है काफ़ी सारे अपने थॉट्स को यहाँ पे एक्टिव रखते हैं, उनको देखते हैं, उनको दिखाते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो वो आपके खुले अंत वाले क्वेश्चंस होते हैं। बाय द वे, अगर हम यहाँ पर बात करें बंद क्वेश्चन की, तो बंद क्वेश्चन कैसे होते हैं भैया, जो बंद क्वेश्चन है, बंद क्वेश्चन आपके वो होते हैं जैसे कि मैंने पूछा कि आपके प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बस आप क्या बताओगे प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया, आपके जो है प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो बस ये तो क्वेश्चन होगा ना। अब आप मेरे को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर कोई अमित शाह है, या फिर ये नहीं कह सकते कि कौन है, या कुछ नहीं कह सकते कि हाँ भाई अमित शाह है, या फिर प्रणब मुखर्जी है, या फिर ये है वो है ना, तो ये तो आपका गलत होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आपका आंसर एक ही आएगा, वो क्या है, बंद क्वेश्चन, यानी कि एक ऑप्शन वाइज होगा सिर्फ ऑनली, ठीक है। तो ये होते हैं नेक्स्ट है कि परियोजना, परियोजना का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपको सी टैट हो या फिर कुछ भी हो, सी टैट हो, यूपी टैट हो, या फिर बिहार टैट हो, है ना, एमपी टैट हो, कोई भी टैट हो, किसी भी यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, है ना। सो आपको ये क्या करना है, गोल करना है, आपका ये गोल है, अचीव करना है इसको, है ना, एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। अब क्या करोगे, परियोजना बनाओगे। सबसे पहले क्या करते हैं कुछ बच्चे कि हाँ मेरे को इस टाइम सी डी पी पढ़ना है, मेरे को इस टाइम ईवीएस पढ़ना है, मेरे को इस टाइम हिंदी पढ़ना है, मेरे को इस टाइम मैथ्स ही मैथ्स निकालना है, मेरे को इस टाइम इंग्लिश या फिर संस्कृत को पढ़ना है। तो ये क्या है, एक आपने परियोजना बनाई हुई है, तो ये होता है परियोजना, क्लियर है। अब अगर देखिए अवलोकन, अवलोकन का मीन्स क्या होता है, अवलोकन जैसे कि आप अपनी 5 इंद्रियों के अकॉर्डिंग सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना, कैसे कैसे कि हमें मैंने जैसे कोई बोल रहा है तो आप कैसे कैसे उसको जो है लिंक करोगे, अपने ईयर से लिंक करोगे, कोई आप सीन देख रहे हो अपनी आंखों से लिंक करोगे उसको, है ना। आपके सामने कोई भी अच्छा स्वीट्स यहाँ पे भोजन बन रहा है तो उसको कैसे फील करोगे, आप अपने नोज़ के अकॉर्डिंग करोगे, क्लियर है। अपने जो है यहाँ पर उसको तो जो भी आपकी ये सारी त्वचा है ना, कुछ भी फील कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग आप अपने जो है इसको अवलोकन करते हैं, तो ये होती है आपकी वो अवलोकन करना। अब पूछा है जो नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि विद्यार्थियों का योग्यता का निर्धारित करना। आप देखो कोई बच्चा क्या है यहाँ पर, कोई बच्चा वीक है पढ़ने में, तो आप उसकी योग्यता का पहले यहाँ पे जो है ये निकालोगे कि हाँ उसमें कितनी यहाँ पे कैपेसिटी है, कितना एक्सपीरियंस है, सो उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो है अच्छी प्रकार से यहाँ पे शिक्षा को देंगे। सो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सो एज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, फिर कहे कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने कारण उत्तर व्यवधान की अनदेखी करना, या फिर कहे कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो क्या आप जो है एक बहुत ही प्रभावशाली टीचर्स हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा इनमें से, चारों ऑप्शंस में से, कि अगर देखें बारी बारी से कि पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना चाहिए। अब आपके सामने क्या है, बुक्स है, और बुक्स में लिखा हुआ है कोई भी क्वेश्चन, और बस आपको जो है उनका आंसर्स को देखना है और लिखने पर बल देना है, रेटिफिकेशन करना है बाय द वे, और मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये है, या फिर देखें कि समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर और देखें आगे क्वेश्चंस को कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्तर व्यवधान की अनदेखी करनी चाहिए। जब भी क्वेश्चंस को पुटअप करता है टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचर्स को बताता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप अनदेखी कर दोगे, तो ये बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, यहाँ पर पूछा है कि गतिविधि के बजाय आप जो है व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दो। अब यार देखो समूह गतिविधि में क्या होता है, समूह के अकॉर्डिंग बच्चा इतनी बेटर तरीके से सीखता है, जब समूह में 4-5 बंदे बैठे होते हैं तो 4-5 के तर्क वितर्क यहाँ पर होंगे, तो उसे तो बेटर सीखा जाएगा। या फिर व्यक्तित्व अधिगम, ये तो अपनी खुद की पर्सनैलिटी वाला यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो इससे आप कैसे यहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस ले पाओगे, तो जो भी आपके सामने नॉलेज, जो भी आप में जितनी भी आप में नॉलेज, जितनी आपके एक्सपीरियंस है, वहीं का वहीं रहेगा, जो का तो सीमित है। ये तो अगर हम देखें बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉपुलर ऑप्शन है, तो वो है कि प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल एक टीचर को जो है, एक टीचर की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी इसमें स्कूल्स में, कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। वो चाहे बच्चा आपका जो है प्रतिभाशाली हो, गॉड गिफ्टेड हो, या फिर वो जो है आपका मीडियम हो, या फिर वो जो है आपका सामान्य बच्चा हो, है ना, तो सभी को जो है बिल्कुल इक्वल रूप से देखना चाहिए, सभी के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी बच्चा आपसे कुछ भी पूछने में यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना करे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है।
बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाएं परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल आपका जो है निगेटिव है। अब देखो थ्री इडियट्स कानों को बिल्कुल खड़े करके ये क्वेश्चन को तब रीड करना। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति या फिर अध्यापकों के अकॉर्डिंग कार्य करना या फिर बच्चे को स्वीकार करना फिर अध्यापक का सकारात्मक रूप। अब देखो क्या है इसमें ऑप्शंस जो कि नहीं है। तीन ऑप्शंस बिल्कुल क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, एक ऑप्शन बिल्कुल आपका निगेटिव होगा। अब देखो आपके जो ये है बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छी कक्षाई परिवेश में सर्जन करने की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है ना कि मैं जो है अपने बच्चों को ये यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराऊँ है ना। तो इस प्रकार की अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अगर देखें कि बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना, बिल्कुल जो भी बच्चे चाह रहे हैं जो भी बच्चे करना चाहते हैं जो उनकी जो यहाँ पे इच्छाएं मन से तो उसको स्वीकार करना बिल्कुल ये तो गुड है, बिल्कुल बहुत ही वेरी 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 गुड है। अगर देखें कि अध्यापक का सकार बिल्कुल अध्यापक का जब पॉजिटिव रूप होता है तो बच्चे कुछ भी उसे पूछ सकते हैं कि हाँ मेरे को ये बता देंगे है ना, तो ये तो बिल्कुल क्या है ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। अगर देखें बच्चे को स्वीकार करना बिल्कुल ये पॉजिटिव ही है, ये तो पूछा है निगेटिव, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि अध्यापकों के अकॉर्डिंग कार्य करना। आप देखो अगर अध्यापक बोले कि हाँ बस आपको ये ही पढ़ना है और ऐसे हार्ड तरीके से पढ़ना है आपसे हो या ना हो मेरे को कोई मतलब नहीं, ओके तो ये जो है बिल्कुल आपके लिए गलत है। बाय द वे बच्चा उसमें बोरिंग हो रहा है, बोरिंग पा रहा है, अब यार कैसे सीख पाएगा बच्चा, वो बहुत हार्ड है। अगर यहाँ पे सोचे कि फर्स्ट क्लास प्राथमिक जो ये है विद्यार्थी है तो प्राथमिक विद्यार्थियों को अगर आप यहाँ पे क्या करो प्रोफेसर लाइंस के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे लेक्चर्स दो, लेक्चर्स दे के निकल जाओ, पता चले बच्चे को कुछ भी समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, आए या ना आए मेरे को कोई मतलब, मेरे को तो पढ़ाना है बस पढ़ाना है, तो अध्यापक के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर, तो यही है पूछा है निगेटिव। नेक्स्ट है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो बारी बारी से देखते हैं, लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए फिर लड़कों घर के वर्क में हेल्प करनी चाहिए या फिर लड़कियों को घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए फिर सभी लड़कों को विज्ञान या फिर सभी गर्ल्स को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, तो पॉजिटिव ऑप्शन क्या होगा आपके लिए। अब देखते हैं पूछा है बॉयज एंड गर्ल्स के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अब निकालना है, खोज करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है और ये जो है इसमें पूछा है बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग वो बताना है। अगर हम देखें यहाँ पर बी ऑप्शन को कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सो बिल्कुल ये आपका क्या है करेक्ट होगा, यहाँ पर करनी होगा है ना, ये करेक्ट है बिल्कुल। अब ये नहीं होता हाँ कि ये बॉयज है भैया, ये तो बॉयज क्या है बाहर के वर्क को करेंगे तो सिर्फ ओनली ऑफिस वर्क करेंगे है ना, ये कोई घर का वर्क नहीं कर सकते क्योंकि घर का वर्क करेंगे तो ये लड़की बन जाएंगे है ना, तो ऐसी ऐसी थिंकिंग्स तो नहीं है क्योंकि ये बायोलॉजिकल होती है, नहीं कि आपके सोसाइटी लेवल से देखोगे तो बिल्कुल क्या है नो मैचिंग है, यहाँ पे नहीं करेक्ट होगा। अगर देखा जाए बायोलॉजिकल तरीके से तो सब क्या होगा फिर लड़के भैया कुछ भी कर सकते हैं, लड़कियां जो है होमवर्क ना करते हुए बाहर का वर्क कर सकती है, कुछ भी वर्क कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम से, न कि यहाँ पे ये बनाए हुए रूल्स कि हाँ जो है झाड़ू पोछा रोटी बर्तन जो भी है सब कुछ ये गर्ल्स ही करेगी, ऐसा नहीं होता है, इसको बॉयज़ भी कर सकता है, तो इससे ये नहीं होगा कि यहाँ बॉयज ने इसको कर लिया तो वो जो है गर्ल्स बन जाएगा। तो पूछा है पॉजिटिव वर्क जो होगा तो हाँ बिल्कुल जो बॉयज़ होते हैं उनको घर के वर्क में भी सहायता करानी चाहिए, जैसे कि एक लेडीज़ होती है गर्ल्स होती है वो बाहर का वर्क भी बहुत काफ़ी करते हैं क्योंकि अब क्या है बायोलॉजिकल थॉट से न कि अब आपके सोशलाइजेशन थॉट से बिल्कुल क्या है फिनिश हो चुके हैं, ठीक है जनरेशन चेंज है सब कुछ चेंज है। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्चे की कॉफी में लिखने में विपरीत छवियां दर्पण छवियां आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि बच्चा कॉपी ले रहा है कॉपी में लिख रहा है तो लिखने के अकॉर्डिंग उसको विपरीत छवियां दर्पण छवियां उसको जो है यहाँ पे उसकी जैसी गलती उसको रोंग मिलती है उसकी रोंग मिलती है जो भी वो लिखता है, तो इस प्रकार का बच्चा क्या फील करता है, क्या उसमें जो है लक्षण है, क्या उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इसमें ये जो है यहाँ पर कमी है, यहाँ पर जो है ये बच्चा वीक है। तो अधिगम में असुविधा के या फिर अधिगम में अशक्तता के या फिर अधिगम में कठिनाई के या फिर अधिगम में समस्या के। अब देखो बच्चा है कोई वो लिख रहा है लेकिन उसके जब भी वो लिखता है उसके विपरीत बिल्कुल क्या आती है उसकी छवियां गलत आती है गलती आती है वहाँ पर है ना, तो इस प्रकार का बच्चा किस टाइप्स के उसके अंदर जो है लक्षण है तो ये है आपके अधिगम में अशक्तता के, ठीक है यानी कि ये होता है जब भी आप बच्चा या तो बच्चा बिल्कुल करेक्ट रूप से बिल्कुल यहाँ पे जो है जो वो लिखता है तो उसकी जो बॉडी पार्ट सेम वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, जो उसका फिजिकल से
फिजिकल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो बच्चा अच्छी बेटर तरीके से नहीं लिख पा रहा है ना, वो इस वो इधर के बजाय इधर कर देता है वर्ड्स को, तो बिल्कुल उसके विपरीत जो है उसको वो गलत नज़र आता है। अब जैसे मेरे को क्या बनाना है, मेरे को फाइव बनाना है, वो फाइव ऐसे ही बना देता है। अब देखो जैसे मेरे को क्या बनाना है, मेरे को फाइव बनाना है और वो बच्चा जो है फाइव ऐसे बना देता है, तो ये जो इसकी छवियाँ दिखेगी आपको इधर बिल्कुल क्या दिखेगी, रॉन्ग दिख रही है। तो ये होता है कि क्या अधिगम्य असक्तता के अकॉर्डिंग कि बच्चा जो है अच्छे तरीके से बैठ, क्योंकि उसका फिजिकल जो ग्रो है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए उसके अंदर क्या है असक्तता की यहाँ पे लक्षण्स देखने को मिलते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखो शिक्षार्थियों के ज्ञान यानी कि उनकी नॉलेज के अर्जन में हेल्प करने के लिए है ना, अध्यापकों को टीचर को किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सो चार ऑप्शंस होंगे, तीन ऑप्शंस बिल्कुल निगेटिव टाइप्स के होंगे, एक ऑप्शन पॉजिटिव होगा, तो चूज करो कौन सा करेक्ट होगा। अब सब फर्स्ट है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, या फिर कहे कि शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग प्राप्त किए गए अंकों पर, या फिर कहे कि शिक्षार्थियों को सहकीय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थियों के अकॉर्डिंग अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। अब फोर ऑप्शंस हैं, बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अब अगर यहाँ पर देखें भैया कि जो है शिक्षार्थी सब कुछ याद कर ले, फटाफट याद करके जो भी आपके एग्जाम्स आए उसमें लिख दे और बस रट्टा फिक्सन करके यहाँ पे पास हो जाए, कुछ सीखे ना सीखे हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये क्या है आपका निगेटिव ऑप्शन होगा। इसको तो आप जो है बिल्कुल करेक्ट, वो इसको जो है बिल्कुल इनकरेक्ट कर देना, ठीक है। कहीं पर भी अगर सब कुछ याद कर लो, अंक की बात आती है, रेटाफिकेशन की बात आती है ना, केवल की बात आती है, तो इसको तो ऑप्शंस को देखते ही बिल्कुल क्या कर देना चाहिए, मार्क कर दे उसको, तो बिल्कुल हटा दो। या फिर कहे कि शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग प्राप्त किए गए अंकों पर, अब अंक देखो, अब कोई बच्चा है कि अगर चलो गॉड गिफ्टेड बच्चा है, कोई मीडियम बच्चा है, मीडियम बच्चे के जो है नंबर अच्छे नहीं है, तो क्या आप उस पर अच्छा ध्यान नहीं देंगे, क्या आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है, बल्कि आपको जो है उस पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हाँ ये तो चलो थोड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है तो थोड़ा सीख सकता है खुद से भी, लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं आता अगर आप उस पर और भी ध्यान नहीं देंगे तो वो तो बिल्कुल और भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, बिल्कुल शिक्षार्थी को जो है बिल्कुल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको जो है अपने सभी रूप में एक टीचर्स को शामिल करना चाहिए। अगर अध्यापक कुछ भी किसी भी जैसा 50 बच्चे हैं क्लासेस में और 50 बच्चों को जो है यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहा है, अगर 50 बच्चों में जो है यहाँ पर एक या फिर 25 या फिर उसका जो है आप कर लो या फिर मैक्सिमम 20 मान लो, तो 20 बच्चे अगर इसमें थोड़ा सामान्य है और भैया 30 बच्चे अच्छे काफ़ी है, इंटेलिजेंस से अच्छा सीख सकते हैं, तो आप ये नहीं कि हाँ इन 30 बच्चों में से इन 20 बच्चों को जो है बाहर कर दोगे, निकाल दोगे कि आप जाओ आपसे नहीं होगा, आप उन पर बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देंगे, ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, उनको अपनी अकॉर्डिंग सहभागिता नहीं देंगे, उनको अपने विषय में शामिल नहीं करेंगे, तो ये क्या है गलत है, जबकि उनको बिल्कुल आपको सक्रिय रूप से जो है अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है उनको जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटीज़ तो उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है किसमें, पढ़ने में, खड़े होने में, बोलने में या फिर वेब करने में। डिसलेक्सिया का मीन्स क्या होता है सबको पता होगा, डिसलेक्सिया मीन्स यानी कि जब आप क्या करते हैं पढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लड्डू क्वेश्चन है सबको आता है। तो डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई किसमें, पढ़ने में कठिनाई है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर क्या वोज, मैं वोज पढ़ रहा हूँ है ना, अब मैंने इसको वोज को पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ लिया भैया, शाह पढ़ लिया, तो ये क्या है मेरी गलती है, मैं खुद बाई मिस्टेक है ना। अब जैसा क्या है यहाँ पर डॉग है, अब डॉग का मैंने क्या पढ़ लिया, गोड पढ़ लिया, तो ये क्या है मैं खुद से मिस्टेक कर रही हूँ, तो ये क्या है डिसलेक्सिया, यानी कि मेरे जो करने में यानी कि मेरे पढ़ने में क्या है कमी है, मेरे को कहीं ना कहीं वीकली फील हो रही है यहाँ पे पढ़ने में, तो इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया कि आपके अंदर जो है किसके लक्षण है वो है डिसलेक्सिया के लक्षण। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन पर, स्मृति आधारित पर, या फिर अपसारी पर, या फिर अभिशारी पर। अब आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, आउट ऑफ बॉक्स का मीन्स क्या होता है भैया, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन का मीन्स होता है जैसे कि आप जब चारों डायरेक्शन में सीख सकते हैं, चारों डायरेक्शन में सोच सकते हैं, जैसा एक क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 10 कैसे कैसे बना सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि 5 इक्वल टू कि 5 प्लस 5 10 हो चुके हैं है ना, 8 प्लस 2 10 हो चुके हैं, 7 प्लस 3 10 हो चुके हैं है ना, या फिर आप जो है कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि 6 प्लस 4 10 हो सकते हैं, तो इसमें क्या है आपका जो यहाँ पर चिंतन करने की जो यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है ना, जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, जो आपकी माइंड अक्षमता है ना, जो आपकी एक्सपीरियंस है वो क्या है, बिल्कुल सृजनात्मकता रूप से काफ़ी फैले हुए चारों राउंड में, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कैसे भी दे सकते हैं। क्लियर,
अब जैसे मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन का बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, अपसारी चिंतन होगा। अपसारी चिंतन का मीन्स होता है जैसे कि आप चारों डायरेक्शन में सोच सकते हैं, बिल्कुल इतना एक्टिव है, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास में कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं, आप 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई एक क्वेश्चन है और उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप जो है अपने सामने 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो होता है अपसारी चिंतन। और जो अभिसारी चिंतन होता है वो होता है आपका बिल्कुल सीमित रूप, जैसे कि किसी बच्चे ने पूछा कि हाँ, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि क्या चूहे कितने होते हैं, तो भैया चूहा तो चूहा ही होता है, चूहे का नाम और कोई नहीं होता। आप बिल्ली को तो चूहा नहीं बोल सकते, या फिर आप जो है चूहे को बिल्ली नहीं बोल सकते, या फिर आप डॉग को जो है चूहा नहीं बोल सकते। चूहा तो क्या है, सिर्फ ओनली एक ही है, तो ये क्या है, सीमित है आपका। क्लियर है, क्या है ये, सीमित है। अगर मैं बोल दूँ कि पक्षी कौन कौन से होते हैं तो बिल्कुल आपकी क्या है, सृजनात्मक रूप से पक्षी बहुत सारे निकलेंगे, पक्षी ये होता है वो भी पक्षी है, वो भी पक्षी है, वो भी पक्षी है, वो भी पक्षी है, तो ये क्या है, अपसारी चिंतन है। क्लियर, अब पूछा है अगर क्वेश्चन बिल्कुल सीमित पूछेगा तो उसमें तो क्वेश्चन यही निकलेगा कि हाँ भैया चूहा तो चूहा होता है, अब चूहा बिल्ली थोड़ा ही ना है, अब डॉग चूहा थोड़ा ही ना है। क्लियर है, ये होता है आपका आउट ऑफ बॉक्स चिंतन। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखो, अगर आप जो है यहाँ पर जब बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना, और बच्चे को शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, यानी कि जब आप बच्चे को, जब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, बाय द वे चलो वो पढ़ने में थोड़ा वीक है, या फिर वो नहीं पढ़ पा रहा है, या फिर अच्छी तरीके से आप इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो तब आप क्या करोगे, उसको अच्छी पिटाई करेंगे उसकी, है ना, बड़ी जोर जबरदस्त वाली पिटाई कर दोगे आप उसकी, तो फिर बच्चा क्या करेगा, उस कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, या फिर बच्चे की छवि की सुरक्षा होगी। अब आप उसकी पीट रहे हो, पिटाई कर रहे हो, तो क्या वो एक्टिव रहेगा पिटाई करके, नहीं, वो क्या होगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर देगा, वो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल अपने फील्स को, अपनी जो इमोशंस है उसको बिल्कुल क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, कोई फील्स नहीं करेगा, वो सोचेगा यार मुझसे नहीं होगा, मेरी पिटाई भी हो चुकी है, अब तो बस मेरे को क्या करना है, घर जाओ आराम से बैठो, मेरे को पढ़ना वढ़ना ही नहीं है। तो ये निगेटिव थॉट्स जो है उस बच्चे के माइंड में आप यहाँ पे पैदा कर रहे हो अगर आप बच्चे की पिटाई करते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर है कि आप जो है बच्चे की पिटाई नहीं करेंगे, बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, पूछेंगे आपको कहाँ समस्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताएंगे। तो अगर अभी आप यहाँ पे बच्चे की पिटाई करते हैं, है ना, अगर आप जो भी टीचर्स अगर देख रहे हैं, अगर जो भी टीचर्स बच्चे की पिटाई करते हैं, तो बिल्कुल मेरा आपसे यही सजेशन है कि बच्चे की पिटाई मत करना कोई भी, ओके, क्लियर है, क्योंकि बच्चा फिर क्या है, ये सोचता है कि हाँ ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर जब मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है और टीचर्स भी मेरी पिटाई कर रहे हैं तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो बस वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर स्कूल्स वगैरह सब कुछ छोड़ देगा, उधर बैठेगा आराम से, है ना, और उसके अंदर के जो भी इमोशंस होंगे, फील्स होंगे, बिल्कुल आप फिनिश कर दोगे, तो बच्चे में कुछ भी नहीं रहेगा, इमोशंस तो छोड़ो यार उसमें थोड़ा, है ना, क्लियर है। सो ये थे आपके आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट वरी, कोई नहीं है। सो आप जो है भैया कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो जरा मेरे को जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सॉल्व कर दूंगी। कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो मेरे को भी बताना, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो कि ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर दूंगी, इतने अच्छे से जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, बस आप मेरे को एक बार बता देना, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, ऐसे मेरे को पता नहीं चलता कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।